अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में शुक्रवार से दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का होगा आयोजन। उच्च शिक्षा की चुनौतियां और वैश्विक परिदृश्य पर होगी चर्चा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में शुक्रवार से उच्च शिक्षा की चुनौतियों और वैश्विक परिदृश्य विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि वर्तमान में देश की उच्च शिक्षा की स्थिति बेहद ही खराब है। शिक्षा के बाद भी देश का युवा रोजगार के लिए इधर उधर भटकता है, तो वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 200 विश्वविद्यालयों में से हमारे देश की किसी भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता है। एजुकेशन सिस्टम में कमियों को खोजकर उन्हें दूर करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष पर इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनसी गौतम और मुख्य वक्ता के रूप में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल उपस्थित होंगे। इस बारे में कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर विजय अग्रवाल ने हमें बताया। विश्वविद्यालय के द्वारा गोल्डन जुबली ईयर में उच्च शिक्षा की चुनौतियां और वैश्विक परिदृश्य विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य रूप से जो उच्च शिक्षा की स्थिति है इस देश में, वह दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अभी काफ़ी नीचे की तरफ है। अक्सर हमारे राष्ट्रपति ये कहते हैं कि विश्व की 200 विश्वविद्यालयों में हिंदुस्तान का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो आखिर वो कौन से कारण हैं जिन कारणों से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं, या हमारे यहाँ की जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है कि हम दुनिया के तमाम देशों की तुलना में अपने आप को सिद्ध कर सकें। वहीं दुर्भाग्य की बात यह है हमारे लिए खास तौर से, और दूसरे देशों के लिए सौभाग्य की बात, कि हमारे जो इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो डॉक्टर्स हैं, वो जब अमेरिका में और जापान में जाते हैं तो वहाँ के टॉप डॉक्टर्स में और टॉप इंजीनियर्स में माने जाते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली कहीं दूषित है या हमारे यहाँ कोई इंटेलिजेंसिया की कमी है, हमारे छात्र प्रतिभावान नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन क्या कोई एक एनवायरनमेंट की कमी है? ऐसे कौन से कारण हैं कि वो जब विदेश में जाते हैं तो अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, हिंदुस्तान में प्रदर्शन नहीं कर पाते? तो क्या नीतियों में कुछ खामियां हैं? क्या हमारे शिक्षकों में इतनी गुणवत्ता की कमी है जो नए शिक्षक आ रहे हैं? क्या हम शिक्षकों को अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो वो कौन से कारण हैं, इसको खोजने के लिए बहुत बार कोशिश की गई, और हर बार यह ज़रूरी होता है कि हम इस पर बार बार विचार करें, क्योंकि देश काल समय के अनुसार परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं,